अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 200 रुपए के नोट का लुक और डिजाइन जारी कर दिया है। केंद्रीय बैंक इसको पूरे देश में कल से जारी कर देगा। इसका मतलब ये है कि शुक्रवार से पूरे देश के सभी बैंकों और एटीएम में यह नोट मिलना शुरू हो जाएगा। नोट का बेस कलर ब्राइट येलो होगा। नोट पर आगे गांधी जी तस्वीर होगी, जबकि पीछे के हिस्से पर सांची का स्तूप होगा। इस नोट पर अंग्रेजी और देवनागरी लिपि में 200 लिखा होगा। ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए उठाया कदम। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक 200 रुपए के नोट की ब्लैक मार्केटिंग न हो, इसके लिए आरबीआई ने पहले से ही कदम उठा लिए हैं। आरबीआई को उम्मीद है कि नए नोट को लोग हाथों हाथ ले लेंगे और जमाखोरी कर सकते हैं। इससे बचने के लिए 50 करोड़ नोट छापे गए हैं, ताकि इनकी पूरे देश में कमी न हो। 100 और 500 के बीच नहीं है कोई करेंसी नोट। आरबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि 100 और 500 रुपए के नोट के बीच कोई नोट नहीं है। इस कारण से लोग इस नए करेंसी नोट का ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। छोटे खर्चों में यह नोट ज्यादा प्रयोग होने की उम्मीद है। 2000 के नोट की हुई थी जमाखोरी। नोटबंदी के बाद जब आरबीआई ने 2000 का नोट जारी किया था, तो लोगों ने इसकी जमाखोरी करना शुरू कर दिया था। इससे सबक लेते हुए और जमाखोरी रोकने के लिए आरबीआई पूरी तैयारी के बाद ही 200 का नया नोट बाजार में उतारने जा रहा है। बता दें कि नोटबंदी से पहले 500 के 1717 करोड़ नोट थे और 1000 के 686 करोड़ नोट थे। एसबीआई की रिसर्च के मुताबिक नोटबंदी के बाद बड़े नोटों के शेयर में 70% की कमी आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।